बिहार सरकार को लग सकता है बड़ा झटका और बिहार नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण मंडराना शुरू हो गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है जिस पर बिहार नगर निकाय चुनाव पे सबसे बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने यानी HC ने जो फैसला सुनाया था और बिहार सरकार के जो दलीलें पेश की गई थी कोर्ट में, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एक नया आदेश जारी किया गया है, उस नए आदेश में क्या है वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रत्याशियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा था आज से 2-3 दिन पहले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ग्रहण लगने के बाद अब प्रत्याशियों में निराशा भी साफ देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह नया फैसला क्या है जिसको लेकर जजमेंट किया गया और बैठक की गई, बैठक में नया फैसला सुनाया गया और वहीं राजनीतिक समीकरण भी बदलता हुआ नजर आया। पक्ष और विपक्ष, विपक्ष का साफ कहना है कि CM नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी अधिकारियों को तालमेल करवाते हैं और जिस तरीके से हरबर में बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव करवाना चाह रही आखिर किस उद्देश्य और मकसद से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाया और एक नया फैसला जारी किया गया। तो आपने देखा कि अब रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल जजमेंट फैसले में अब यह निर्णय लिया गया है और नया आदेश जारी करते हुए नगर निकाय चुनाव पर अब पूरी तरह ग्रहण लग सकता है। रास्ता साफ है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, अब सभी नगर निकाय चुनाव जो बिहार में होने थे जिसको रोक लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष इसको आड़े हाथ लिया और CM नीतीश को निशाना साधा और कहा गया कि CM नीतीश कुमार हरबर में क्यों नगर निकाय चुनाव करवाना चाहती है, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ इनका तालमेल रहता है। जिस पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और उसके बाद ट्रिपल जजमेंट यानी नया फैसला और नया आदेश जारी किया गया है।